Well, it just feels so wonderful. It's been 12 years for Film Today magazine. It's the first time I've been told that photography has been featured on a films and Bollywood magazine. It feels humbled, honored, and nervous that I'm the first one to be chosen for it. Shooting in USA was very exciting. Who doesn't love to go to USA? We all love to go to USA. The shooting was happening at the New Jersey Garden, which is one of the most beautiful gardens in America. It just feels nice to be dressed in Chai Gandhi's clothes. And the clothes spoke about Indianness. Vibrancy of Indianness was through the pink color. Patola fabric was in the borders. Speak about the rootedness of Indianness. I think that's what made it so very special. And it was a Film Today cover, which is extra special. I think dance किसी भी country का हो संस्कृति सभ्यता जानने के लिए आपको वहाँ जाकर करना पड़ता है. Recently, I learned a new dance form called Tandura from Egypt. It's a men's dance which they all do in Egypt. I think मैंने वो सीखा कुछ हफ्तों के लिए. I think किसी भी country को जानने के लिए अगर हम उसके खाने के बारे में या उसके music और dance के बारे में पढ़ें तो automatically उसकी जानकारी मिल जाती है. And from the very beginning, बचपन से ही मैंने इतना travel किया है because of my father's profession, thank God. और जितनी भी countries में गया वहाँ पे dance सीखा. And it just feels wonderful कि रूप से सीखा है. And it's just magnificent to understand dances from the originality. Education teaches us about how to handle ourselves very well in future. और dance जो है वो आपको stage पे लाता है, but stage पे क्या किया जाता है वो आपको education सिखाती है. And I think it's important कि आप दोनों balance करें. मैं किसी को advice नहीं करूँगा कि आप पढ़ाई छोड़कर के dance करें या dance छोड़कर पढ़ाई करें. I think it's a balance of both which we all need to maintain. Till today I'm studying. I think it's always important to read and understand more. और dance हो या कुछ भी हो उसके साथ में एक education जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. And please don't leave it for dancing. Well, it is tough. It is tough, but it's not impossible. But yes, there is a time that comes when you have to balance the two for some time. दोनों करिए, नौकरी भी करिए और डांस भी करिए. और अगर आपको लगता है कि आपका डांस बढ़ावा मिल रहा है और उस तरह का पढ़ना भारी हो रहा है, तो you can definitely go towards dancing. Otherwise, I think balance जो है life में बहुत बहुत important होता है. और वही maintain करके ज़िंदगी आगे चल सकती है. मेरा आर्टिकल उसमें आया और सेकंड बात जो संदीप का मैंने कवर फोटो देखा तो फोटोज़ आर माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छी है. संदीप खुद भी बहुत अच्छे इंसान है. मैं उनसे आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ. सो एंड राजेश जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वो जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ उनको थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिले, लोग उनको जाने, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. सो आई एम सो हैप्पी. मेरे ख्याल से आज की तारीख में मीडिया का जो रोल है मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एक ज़ोरदार किरदार निभाती है मीडिया. और मैं टोटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आज जगह जगह की न्यूज़, छोटी छोटी जगह की न्यूज़ को दुनिया के सामने पेश करना, तकलीफ़ों को पेश करना, अच्छाइयों को दिखाना, ये मीडिया जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ इवन बिजनेस के लिए, देशभक्ति के लिए, पॉलिटिकली आप सुनो, देश को संवारने के लिए, अमन शांति का मैसेज हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में देने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है. और मैं मीडिया को सलाम करता हूँ कि अच्छा काम करिए, अच्छा काम करना चाहिए, ये मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है. अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी ऐसी कोई फिल्म. मेरा ड्रीम रोल है राष्ट्रपति की मूवी में काम करना, बिकॉज मैं बचपन से उनकी मूवीज़ देखती आई हूँ और मुझे उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो मूवीज़ की जो थीम होती है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वो चीज़. तो मैं उनकी किसी मूवी में, उस तरह की किसी फिल्म में काम करना चाहती हूँ. मैं पर्सनली, चूँकि मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं तो एंटरटेनमेंट के साथ
देश में अच्छा सोशल मैसेज देना, दुनिया को अच्छा मैसेज देना, देश प्रति जो भी अच्छा एक काम मैं फिल्म के थ्रू कर सकूँ, ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट रहेगा, कॉमेडी रहेगी उसमें, और भी जो रहेगा जो मुझे इतना नॉलेज नहीं है वो तो मिथिला हैंडल करेगी, लेकिन जो अच्छे मैसेज को, सोशल मैसेज को एंटरटेनमेंट के साथ कॉमेडी जो साथ में लगा के कुछ थोड़ा सा उसमें सीरियसनेस दिखा के एक अच्छा सोशल मैसेज मैं दुनिया को देना चाहूँगा मैं।